हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो पहले से मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो आज मैं फिर आपके साथ एक मिंत्रा हॉल शेयर करने वाली हूँ, तो जहाँ से मैंने कुछ परचेज किया है तो मैं आपको शो करूँगी मैंने क्या परचेज किया है, और उनका जो प्राइस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो किस प्राइस में मुझे मिला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो है वो ट्राई ऑन हॉल नहीं है। अगर आपको ट्राई ऑन हॉल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ट्राई ऑन हॉल पसंद है, तो आगे से जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी वो ट्राई ऑन हॉल ही बनाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। तो हाँ, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है एक कुर्ती, जिसकी जो पिक्चर है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आपको इसकी जो एग्जैक्ट ये कैसे दिखेगा वो पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसा है, इसका जो प्राइस है वो है 1299 एज पर टैग। तो ये 1299 का इस पे जो टैग लगा हुआ है, बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिंत्रा पे, आजकल सेल चल रही थी तो उसमें मुझे ये मिला है 398 का। और ये सांग्रिया करके एक ब्रांड है, ये वाला जो है ये मुझे स्लीव से बराबर है, बट जो साइड से है मुझे हल्का सा इसमें ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुर्ती है 398 की, बड़ा प्यारा सा कलर है, और ऑफिस पहन के इसको जाना चाहें तो आप पहन सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम में आपको अगर अपनी मीटिंग्स अटेंड करनी है तो आप इसको पहन सकते हैं, उसके लिए ये 398 की परफेक्ट। अगर गर्मी में आपको ये पहनना है तो ये कॉटन है और भी परफेक्ट है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो सेकंड जो हमारा हमारी जो कुर्ती है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, अगर आप इंडियन वेयर पहनते हो, एथनिक्स पहनते हो, तो लिबास करके जो ब्रांड है वो आप सब जानते ही होंगे। जो लड़कियां पहनती है कुर्तियां तो उनको पता ही होगा लिबास कितना पॉपुलर है अपनी कुर्तियों के लिए, अपने इंडियन वेयर के लिए। तो मेरे पास है लिबास की ये कुर्ती जो है पिंक कलर की। इसमें जो वर्क है ये थ्रेड वर्क है, प्लस इसमें जो ये है छोटे छोटे से मिरर लगे हुए हैं। ये इतनी प्यारी लगती है अगर आप इसको पहनते हैं, बट तो आपके जो ऑनलाइन परचेस होते हैं उनमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी कुछ ब्रांड्स के जो साइज होते हैं वो आपको परफेक्टली फिट हो जाते हैं, बट सेम ब्रांड के ही साइज आपको कभी कभी फिट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने ये जो कुर्ती ली है वो भी सेम ब्रांड की है, सांगरिया करके ब्रांड है उसी की है, बट ये मुझे परफेक्टली फिट है। मुझे इसमें आई थिंक कुछ ऑल्टरनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे वो कर दूंगी, और जो बाकी के कपड़े हैं उनकी भी मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूंगी कि वो कैसे लगेंगे। तो ये जो ब्रांड है ये लिबास करके ब्रांड है, बट ये मुझे साइड से काफ़ी लूज है तो मुझे ये ऑल्टर करवाना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी बाहर की कंडीशन चल रही है तो टेलर नहीं है मेरे पास कोई, तो मैं इसे ऑर्डर अभी नहीं कर सकती हूँ, बट मैं बाद में इसको करूँगी। तो इसका जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस ये 669 था, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट कुछ 543 का मिला है, और ये बड़ा प्यारा सा कलर है, और ऐसा कुछ कलर अगर आप पहनते हो तो ये आपके जो आपका जो रंग होता है उस पर काफ़ी निखर के आता है। तो ये लिबास करके ब्रांड है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में परचेस किया है, बट ये फिर भी मुझे साइड से थोड़ा लूज है तो मुझे इसे ऑर्डर करवाना पड़ेगा, और तो इसलिए मैंने इसमें भी फोटोज कुछ क्लिक नहीं की है। अदरवाइज ये जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, आप अपनी मीटिंग्स में से यूज कर सकते हो, घर पे पहनने के लिए जो आपकी जूम मीटिंग होती है उसमें पहन सकते हो, प्लस गर्मियों के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि ये कॉटन मटेरियल है, और लिबास काफी फेमस है अपने इंडियन वेयर के लिए। तो ये था हमारा सेकंड परचेज। अब बारी आती है हमारी थर्ड कुर्ती की, जो मैंने ये पहन रखी है। ये जो भी मैंने परचेज किया है उसमें से मुझे ये सबसे प्यारा लगा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पे परफेक्टली जा रहा है। मुझे इसमें कुछ फिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमें गर्मियों में ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, तो उस हिसाब से ये जो कुर्ती है मेरे पे परफेक्टली फिट है। इसकी जो स्लीव्स है वो परफेक्टली फिट है, तो मुझे इसको कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है उसी की वैसी है। ये भी सांगरिया ब्रांड है, और इसका जो प्राइस है वो 363 है, और इसमें फ्रंट स्लिट है, आगे से यहाँ पर स्लिट है इसमें, और इसे मैंने प्लाजो के साथ में वेयर किया है, जो मेरे पास पुराना प्लाजो था मेरा,
नया बजट मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। आप मिक्स और मैच करके अपने कपड़े पहन सकते हैं, उन्हें डिफरेंट लुक दे सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया है, मैंने 363 में से परचेज किया है और ये इतना ब्रीथेबल कपड़ा है कि मुझे इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो हमारा फोर्थ परचेस है जो है ये एक ट्राउज़र टाइप का था जिसे हम वेयर कर सकते हैं अपनी कुर्तीज़ के साथ में। एक्चुअली मैंने इसे बाय किया था इसके साथ के लिए ताकि मैं इसे इसके साथ में पहन सकूँ, जो पेंसिल पैंट टाइप की होती है ये कुछ उस टाइप में है। इसका जो फोटो है मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, बट इसे मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि ये जो साइज है ये 26 है। मैंने जो इसे परचेज किया था ये 26 साइज का था। जो ब्रांड नेम है वो जयपुर कुर्ती है और वाइट में है, ये साइज इसका एस है। इसके लिए ये रॉन्ग है क्योंकि मैंने अपने जो ट्राउजर्स इसके पहले बाय किए हैं, जो मैंने आपको अपने इसके पहले वाले जो मित्रा का मेरा हॉल था उसमें मैंने बताया था, तो वो जो थे मुझे परफेक्टली फिट होते थे। मैंने 26 ही साइज हर किसी में पहना था तो वो एकदम परफेक्ट था, बट उसके कंपेयर में ये वाला 26 मुझे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। ये काफ़ी लूज है और ये कुछ अजीब सा ही है, तो ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसका कुछ सब्स्टिट्यूट देखूंगी, क्या पता मुझे अजियो पे मिल जाए या मिंत्रा पे ही कुछ डिफरेंट साइज में मिल जाए, तो इसके लिए मैं परचेज ज़रूर करूंगी। इसे मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे वर्थ नहीं लग रहा है और इसके लिए मैंने पे किया है 559, तो 559 में ये मेरे साइज का तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट परचेस है वो भी कुर्ती है, तो वो है कुछ इस कलर में। ये लाइट है जो मैंने पहना है और ये जो है ये थोड़ा सा डार्क है। इसे ये जो है मुझे स्लीव से तो ये मुझे परफेक्टली फिट होता है, बट इसका सेम प्रॉब्लम है, ये जो साइड से है वो मुझे लूज है, तो इसे मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा स्मॉल होने के बावजूद मुझे इसे ऑल्टर करवाना पड़ेगा, तो ये साइज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप भी मेरे साइज के हो और अगर आप इन्हें बाय करते हो तो आगे आपको दिक्कत ना हो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें भी लूज आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल में भी कुछ कुछ होते हैं जो परफेक्टली फिट आपकी बॉडी को हो जाते हैं, बट कुछ कुछ फैब्रिक आपकी बॉडी को फिट नहीं होते हैं। इसमें ये कुर्ती मुझे काफ़ी प्यारी लगी है, इसका जो कलर है वो परफेक्टली बहुत प्यारा है, बट इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि जो इसमें ग्लिटर वर्क हुआ है ये जो है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये वाला, तो मुझे बस इसमें यही डाउट है कि कहीं आफ्टर वॉश निकल तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल्टर मुझे इसे ज़्यादा नहीं करवाना है, बस हल्का हल्का ऑल्टर करवाना है, तो वो इशू नहीं है। बट ये जो ग्लिटर वर्क है अगर वो निकल गया तो ये काफ़ी प्लेन कुर्ती बन जाएगी, तो वो थोड़ा सोचने वाली बात है। अदरवाइज ये कुर्ती इतनी परफेक्टली अगर आप इसे पहनोगे तो बड़ी प्यारी सी लगती है। अंडर 500 अगर आप कुर्ती ढूंढोगे तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट कुर्ती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी कुर्ती है जो अंडर 400 भी आपको बताई है, जैसे कि जो मैंने अभी पहनी है वो अंडर 400 में है, ये वाली जो है वो भी अंडर 400 में है। तो ऐसे अगर आप मिंत्रा पे ढूंढने जाओगे तो आपको बड़ी प्यारे प्यारी सी कुर्तियाँ मिल जाएगी, उनके साथ में आप प्लाजो वेयर कर सकते हो और पैंट डाल सकते हो, प्लस अपनी लेगिंग्स डाल सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मिक्स और मैच करके आप अपनी जो कुर्ती है उनको स्टाइल कर सकते हो। तो ये थोड़ा फेस्टिव लुक भी देता है अगर आप इसे वेयर करते हो तो, इसके साथ में एक अच्छी सी इयरिंग वेयर करके ये आपको फेस्टिव लुक भी देगा। यही प्रोडक्ट्स थे जो मैंने परचेज किए थे मिंत्रा से। ये जो मैंने बाय किए थे ये कुछ अंडर 400 थे, बस एक ही चीज़ थी, दो चीज़ ऐसी थी जो मैंने अंडर 600 की ली थी। एक वो प्लाजो था जो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, उसके बदले में कुछ और ले लूँगी, प्लस जो पिंक वाली कुर्ती थी वो ऑलरेडी बहुत प्यारी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मेंशन करना कि अगर आपको ट्रायल हॉल चाहिए तो आगे से मैं जो हॉल्स वीडियो बनाऊंगी, चाहे वो मिंत्रा का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, अमेज़ॉन का हो या किसी भी ब्रांड का हो, तो मैं कोशिश करूँगी ट्रायल हॉल वीडियो बनाने की। प्लीज़ मेंशन करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे।
और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको इस कौन सी कुर्ती ज्यादा अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।